पिछले सोमवार को खेले गए टाटा विमेंस प्रीमियर लीग मैच में एक यादगार नजारा देखने को मिला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बल्लेबाज एलिस पेरी ने ऐसा छक्का मारा कि टाटा पंच ईवी का शीशा टूट गया। ये छक्का उन्होंने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ जड़ा था। आरसीबी ये मैच 23 रन से जीत तो गई, लेकिन ये मामला यहाँ नहीं रुका। यहाँ हम आपको बताएंगे कि मैच के बाद जब इंटरव्यू में पेरी से शीशा टूटने पर हर्जाना देने के बारे में पूछा गया तो पेरी का जवाब और टाटा मोटर्स का इस पर क्या रिएक्शन रहा। टाटा महिला प्रीमियर लीग का स्पॉन्सर है और कंपनी मैच के दौरान स्टेडियम में अपनी कारें खड़ी करती है। ये कारें टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स को इनाम के तौर पर दी जाती हैं। स्पॉन्सर होने के नाते टाटा अपनी कारों का प्रमोशन भी करती है। बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में टाटा पंच ईवी कार स्टैंड पर मौजूद थी, लेकिन पेरी के शॉट से इसका शीशा चकनाचूर हो गया। एलिस पेरी ने जब ये शॉट लगाया तो कार का शीशा टूटता देखकर वो खुद भी सहम गई। उन्होंने शायद अंदाजा नहीं था कि क्या होगा। शॉट लगाने के बाद उनके चेहरे का हाव भाव देखने लायक था। सिक्सर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाली एलिस पेरी से पूछा गया, क्या उनके पास कार का इंश्योरेंस है? पेरी ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता कि उनके पास नुकसान की भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस कवर है या नहीं। टाटा मोटर्स की ईवी विंग ने पेरी के शॉट की तारीफ की। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या पेरी को कार का शीशा तोड़ने का हर्जाना देना होगा, तो टाटा का बयान सुनकर आपका ख्याल बदल जाएगा। टाटा मोटर्स ईवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पेरी के कार का शीशा तोड़ने से पंच ईवी को पहले ही काफ़ी अच्छी कवरेज मिल गई है। टाटा पंच ईवी कंपनी की पॉपुलर एसयूवी पंच का इलेक्ट्रिक वर्जन है। ये कार एलईडी हेडलैम्प, स्मार्ट डिजिटल डीआरएल्स, एयर प्योरीफायर, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ आती है। एक बार फुल चार्ज करने पर पंच ईवी 421 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 10,99,000 रुपये है।